व्हाट्स अप यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे मेरे पास एक कैप्सिकम था, मैं सोच रही थी इसे क्या करूँ, तो इसे मैंने चॉप कर लिया और सोच रही थी कि कुछ करी बनाओ, कुछ अतरंगी क्रिएटिविटी, यू नो। देन मैंने तेल गरम किया पैन पे, फिर उसे ऑनियंस डाल दिया, फिर कैप्सिकम डाल दिए स्लाइसली चॉप्ड, और यहाँ उसे मैंने थोड़ा सा डीप फ्राई किया। और काइंड ऑफ मैं पहले से प्रिपेयर नहीं थी क्या बनाने वाली थी, एज आई वॉज रनिंग आउट ऑफ कंटेंट। मेरे एक दोस्त सुदीप्ता ने सजेस्ट किया कि तुम कुकिंग कर सकती हो, एंड आई थॉट क्यों ना, आज हाफ कैप्सिकम ऐसे ही बचा था और मुझे लगा कुछ ना कुछ बनाया जाए। तो जिसे मैंने डीप फ्राई किया उसे तो मैंने निकाल दिया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के ये चॉप्ड ऑनियंस को अच्छे से फ्राई किया, फिर गार्लिक सॉस डाला उसके ऊपर, जिंजर गार्लिक सॉस टू बी प्रिसाइजली, और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। एंड या वन थिंग अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग इज दैट यू गेट टू नो व्हाट्स द इशू, मतलब खामियां पता चलती है। और यहाँ पे मैंने चॉप टोमेटोज डाल दिए, फिर इसे अच्छे से मैश कर लिया। आई डोंट नो, मुझे टोमेटोज अगर थोड़ा सा भी रॉ रह जाए पसंद नहीं, तो मैं उसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ। फिर इसके बाद हमने ये चिंग्स की शेजवान चटनी डाली, थोड़ा सा उसका स्पाइस लेवल इंक्रीज करने, और उसके बाद चिली सॉस डाला। वी डोंट यूज़ चिली सॉस एज मच, सो गॉट अ सासे। और यहाँ पे टमेटो सॉस, जो मेरे भाई की फेवरेट है, उसे डाला। वो गॉड, वॉइस ओवर देते वक्त ही ये बर्ड्स को चर्प करना था। खैर, उसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और पहले जिसे मैंने डीप फ्राई किया तो उसे मैंने मिक्स कर लिया ताकि उनमें भी फ्लेवर्स चढ़ जाए, वो वेजिटेबल्स में भी। और अच्छे मिक्स करके फिर मैंने उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया और फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। एंड या वो हो रहा था, तो काइंड ऑफ वो मंचूरियन का फ्लेवर ला रहा था, बट एज वी डिडेंट यूज एनी बॉल्स, मंचूरियन बॉल्स, तो वो बस वो ग्रेवी जो था तो अच्छा लगा। फिर उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला 2 स्पून्स, फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। एंड या इफ़ यू डोंट हैव कॉर्नफ्लोर यू कैन यूज़ मैदा इंस्टेड, बट कॉर्नफ्लोर सजेस्टेड। तो उसे अच्छे से देखा, उसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, लिक्विडी कंसिस्टेंसी। फिर मैंने उसे करी में डाल दिया एंड उसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि वो, ये कॉर्नफ्लोर एक्चुअली ग्रेवी को बनाने के लिए है। और यहाँ देख रहे हैं ग्रेवी बॉयल हो रहा है अच्छे से, करी अच्छे से बॉयल हो रहा है। एंड या मेक श्योर कि आपके वेजिटेबल्स अच्छे से कुक्ड हो, जैसे मेरा भाई सौते वेजिटेबल्स को भी बहुत ये खाता है। एंड करी रेडी है, और इसे मैंने राइस और एक फ्राइड करी के साथ खाया, एंड राइस के साथ ये अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है मेरा, बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। एंड या कीप एक्सपेरिमेंटिंग, क्या पता कब अच्छा हो जाए। एंड रोटी के साथ तो ये बहुत बेस्ट होगा। होप यू लाइक इट, बाय।